थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की जो थ्योरीज है उसमें फर्स्ट है साइको एनालिटिक थ्योरी, जो दी थी सिगमंड फ्रॉयड ने, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बाय सिगमंड फ्रॉयड। इसमें है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। दिस थ्योरी इम्फेसाइज करती है द रोल ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेस इन शेपिंग बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, मतलब हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसका क्या रोल है हमारे बिहेवियर और पर्सनैलिटी को बनाने में। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर है तीन पार्ट में, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड जो है ये ऐसी है, वो पार्ट है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, द मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट है, ड्रिवन बाय बेसिक इंस्टिंक्ट एंड डिजायर, जो हमारे बेसिक डिजायर हैं उनको पूरा करने के लिए इड काम करती है। इसका फंडामेंटल ये है कि इसे प्लेजर चाहिए, इट ऑपरेट ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। ये अनकॉन्शियस है, इंटायरली अनकॉन्शियस एंड वी बॉर्न विद इट। इड मतलब वो है कि जो हम अपनी खुशी के लिए, जैसे छोटा बच्चा है उसे जिस चीज़ में खुशी मिल रही है वो उस चीज़ को मांगता है और उसके लिए जिद करता है। ईगो, ईगो इट ये है कॉन्शियस वाली, मतलब सोच समझ के जो काम किए जाए उसके ऊपर। इट मीडिएट बिटवीन द डिमांड ऑफ इड एंड सुपर ईगो, इड और सुपर ईगो। सुपर ईगो एकदम मैच्योर टाइप का है, इड एकदम बच्चों वाला है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा हमें लाइफ में रहने के लिए, तो वो है ईगो। तो मोस्टली लोकेटेड इन द कॉन्शियस पार्ट, ये जानबूझ के सोच समझ के हम जो काम करते हैं वो है ये। लॉजिकल एस्पेक्ट इसमें हम लगाते हैं कि यह क्या मुमकिन है, क्या किया जा सकता है, विद एग्जीक्यूटिव पावर कि हाँ ये हम कर सकते हैं और ये हमें मिल सकता है, मतलब उसमें प्रैक्टिकल होते हैं, इसमें कॉन्शियसली इस चीज़ को सोचते समझते और करते हैं। तो इसमें इन्वॉल्व है रीजनिंग, मेमोरी, प्लानिंग, जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। सुपर ईगो है मॉरल साइंस का टीचर, ये कहता है कि गलत है सही है, क्या गलत है क्या सही है वो ये डिसाइड करता है सुपर ईगो। इट इंटरनलाइज सोसाइटल रूल्स एंड मॉरल्स, इसमें सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्म्स एंड क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, हिज फैमिली, सोसाइटी एंड एन एथिकल कॉन्स्टेंट ऑन द बिहेवियर, मतलब हमें सही काम करने चाहिए ये सुपर ईगो बताता है, मतलब हाई क्वालिटी का ये। तो ईड मतलब बच्चों वाला काम है, ईगो मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना है, सुपर ईगो मतलब अब मॉरल बेसिस रहेगा सही और गलत का।